उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रियाओं के साथ जुड़ रहा है, हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ नयापन आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लखनऊ में जाएंगे, प्रयागराज में जाएंगे, वाराणसी में जाएंगे, अयोध्या में जाइए, एक अगले 5-6 महीने के अंदर अयोध्या एक सुंदरतम नगरी, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होगी। किसी कालखंड में मुगल आक्रांताओं ने अयोध्या में हमारी आस्था पे प्रहार किया होगा, लेकिन आज फिर से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य प्रशस्त हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है। गोरखपुर का विकास आप सबके सामने है, आप सबके साथ सहयोग से हो रहा है। कौन बोलता था फर्टिलाइजर कारखाना चल पाएगा, लोगों के लिए सपना था, लेकिन ये हकीकत है। 110% क्षमता से गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना वर्तमान में चल रहा है। एम्स गोरखपुर में बनेगा, ये कल्पना थी। आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ पद यात्रा में चलते थे, बहुत सारे लोग मेरे साथ पद यात्रा में आंदोलन में भाग लेते थे। गोरखपुर में बिजली नहीं मिलती थी, 2-3 घंटे बामुश्किल बिजली, सड़कें कितनी संकरी थी, एक बरसात होती थी पूरा शहर जल जलाजल में बदल जाता था, गंदगी का ढेर, एक तरफ माफिया का आतंक और दूसरी तरफ मच्छरों का आतंक, यही तो थी गोरखपुर की पहचान। लेकिन आज उससे उभर करके गोरखपुर, जिधर जाओ लोग कहते हैं अच्छा यही गोरखपुर है। यानी कोई व्यक्ति दिन में आता है तो सड़कों को चौड़ी सड़कें देखता, क्या यही गोरखपुर है, और रात्रि के समय अगर आ जाता है तो चकाचौंध में पड़ जाता कि कहां जाना है मुझे, कौन सा रास्ता होगा। और इस मार्ग को तो जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, सचमुच सिंधी समाज के साथ साथ मैं से आशीष श्रीवास्तव जो इंजीनियर है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया इस मार्ग को सुंदरीकरण करने में। यानी यहां पे भगवान झूलेलाल जी का मंदिर बनाने के साथ साथ मार्गी गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स और इस क्षेत्र में सड़कों की डिजाइन और यहाँ का फसाड़ किस प्रकार से बननी चाहिए उसको बनाने में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया, और परिणाम है आज पूरी सड़क अच्छी लगती है, खुली लगती है, साफ साफ दिखती है, एक चौड़ीकरण दिखती है, शहर की एक नई लुक आ चुकी है। आज सड़कों पर कोई शाम को निकलेगा, जगमगाती हुई सड़कें गोरखपुर की दिखाई देती है।